हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके क्रश आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए हम ये देखने वाले हैं, ठीक है? तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं क्रश पे रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो चलिए, फोकस कीजिए अपने क्रश के ऊपर, देखते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपके क्रश आपको लेकर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के क्रश उनको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के क्रश उनको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स कैसा महसूस कर रहे हैं। यंग यहां पर है, पॉइस्ड यहां पर है, हियर एंड नाउ, को क्रिएट, राउंड एंड राउंड, यहां पर है टाइम टू गो। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके क्रश ना आपको बहुत, आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। इनको बहुत अच्छा लगता है आपको देखना, आपसे आपको देखते ही रहना, मतलब इनको इतना ज्यादा ही इंटरेस्टेड है आप में। और ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं, या आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, आपके लुक्स, आपकी ब्यूटी, आपका वे ऑफ टॉकिंग, या आपका प्रेजेंटेबल रहना, या आप जिस तरीके से अपने को कैरी करते हो, सब कुछ देखकर ना ये काफी अप्रिशिएट करते हैं आपको, काफी प्रभावित हैं आपसे, ठीक है? और मैं ऐसा देख पा रही हूं कि आपके क्रश ना, आप दोनों ही मुझे एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी दिख रहे हो, जैसे एक राजा और एक रानी, ऐसा दिख रहा है। मतलब इतने ज्यादा स्ट्रांग पर्सनैलिटी के हो सकते हो आप दोनों, ठीक है? आप भी बहुत, मतलब आप भी इजीली किसी की बातों में नहीं आते, आप भी समझदार हो, कॉन्फिडेंट हो, और ये भी एट द सेम टाइम समझदार कॉन्फिडेंट मुझे दिखते हैं। मतलब आप दोनों ना एक दूसरे को टक्कर देते हो, कुछ ऐसी एनर्जी देख रही हूं मैं। एनर्जीज आप दोनों की बहुत ज्यादा स्ट्रांग मुझे यहां पर दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता है ना कि आपके आपको प्रपोजल देना और आपको कंट्रोल में रखना बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये कंट्रोल में रखने वालों में से हैं, ठीक है? इनको ऐसा लगता है कि डोमिनेट करें और कंट्रोल करें आपको, ठीक है? इस टाइप की इनकी थोड़ी थिंकिंग है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पजेसिव है आपको लेकर। ये मतलब ये पजेसिव हो जाते हैं आपको लेकर ही, और जिसे ये पसंद करते हैं उसको लेकर तो बहुत ज्यादा हो ही जाते हैं, ठीक है? तो अगर आप किसी और से भी बात करो तो ये जेलस्ड फील करते हैं। इवन अगर आप गर्ल, मतलब फीमेल हो और फीमेल से बात कर रहे हो ना, इवन तो भी जेलस्ड ये फील करेंगे, ठीक है? पर इनको ऐसा लगता है कि क्योंकि आप भी स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो, आपको कंट्रोल करना, दबाना या फिर डोमिनेंट सी दिखाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं क्लोज ऑफ हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि यार मैं क्यों प्रपोजल दूं, मैं क्यों बोलूं, ये खुद सामने से आकर बोल देगी या बोल देगा, क्योंकि आपकी फीलिंग्स इनको कहीं ना कहीं पता है। और कल के दिन अगर आप किसी से बात करो और ये आपको कंट्रोल करें, तो ये सीधे कह दें कि तुम ही तो आई थी मेरे पास, या तुम ही तो आए थे मेरे पास, अब मेरे साथ रहना है तो तुम्हें हर किसी से बात नहीं करनी पड़ेगी। कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है कि देखो, आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, पर उन डिफरेंसेस को भी ये कम करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? ऐसा दिख रहा है कि मतलब इनको फर्क नहीं पड़ता, उन डिफरेंसेस से फर्क नहीं पड़ता, उन डिफरेंसेस से इनको फर्क नहीं पड़ता है। ये इतना ज्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ठीक है? आपको देखते हैं तो इनको बहुत अच्छा सा फील होता है। मतलब ये ना, इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि ये आपके साथ घंटों बात कर लें उतना ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब 24 घंटे ना आप इनके दिल दिमाग में छाए रहते हो। और ये हो सकता है कि आप लोग साथ वर्क एरिया में हो, या फिर आप साथ में स्टूडेंट हो, साथ में मिल पाते हो, या फिर अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी है तो मुझे दिख रहा है ये काफी नजर बनाए रखते हैं, ये साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ कहते नहीं होंगे, कुछ बोलते नहीं होंगे, पर नजर पूरा छोटी सी छोटी चीज भी आपकी ना ऑब्जर्व करते हैं ये।
पूरा छोटी से छोटी चीज आपकी ये नोटिस करते हैं, मैं ऐसा देख पा रही हूं यहां पर। ठीक है, देखो इनको ऐसा फील होता है ना कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो हो सकता है, या नहीं बोलूंगी तो ये बोल देगा या बोल देगी, क्योंकि जैसे मैंने बोला आपकी फीलिंग्स इनको इनके तरफ से तरफ है, ये कहीं ना कहीं जानते भी हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूंगी कि देख लो भाई, क्योंकि ये फिर ना बाद में अगर कुछ आप करते हो, आप इनको प्रपोज करते हो, आप बताते हो कि मैं तुम्हें तो बहुत पसंद करता हूँ या बहुत पसंद करती हूँ, तो कल के दिन ये इस चीज का एडवांटेज ले सकते हैं। एडवांटेज तब ले पाएंगे जब आप दोनों का अगर कभी फाइट हुई तो ये बोल सकते हैं कि यार तुम ही तो मेरे पास आई थी, या तुम ही तो मेरे पास आए थे, मैंने थोड़ी बोला था। समझ रहे हो, इस टाइप का हो सकता है, क्योंकि काफी माइंडेड है ये, दिमाग से चलने वालों में से है बहुत ज्यादा। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कंफ्यूज्ड है, लेकिन आप कैसी पर्सनैलिटी हो, मतलब आपका नेचर तो पता है कहीं ना कहीं, पर आप कहीं आपका कैरेक्टर कैसा है, आप कैरेक्टर के कैसे हो, ये बहुत ज्यादा इनको मतलब इस चीज को लेकर काफी सोचते हैं, इसीलिए ये अप्रोच नहीं करते, क्योंकि ये ना थोड़ा और अच्छे से डीपली आपको जानना चाहते हैं, आपके कैरेक्टर को। आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दो लोगों टू टाइम डेटिंग करते हो, या पता नहीं क्या क्या इनके ख्यालों में आता है, इसीलिए मुझे ऐसा दिख रहा है ना। यहाँ पर राउंड एंड राउंड का कार्ड है, तो कंफ्यूज है इस चीज को लेकर। तो पहले अपनी कंफ्यूजन को ये दूर करेंगे, क्लैरिटी लेंगे, फिर ही आ जाकर आपको प्रपोज करेंगे। यहाँ पर को क्रिएट का कार्ड है, ऐसा लगता है कि ये ना अपनी लाइफ अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं, यानी कि अपने अकॉर्डिंग ये चलाना चाहते हैं आपको, अपनी लाइफ को, आपकी लाइफ को, जैसा ये सोचते हैं ना, जैसा मैं चाहता हूँ या मैं जैसा चाहती हूँ काश वैसा ही हो, कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये ना प्रेजेंट में जीने वालों में से, ये पास्ट को लेकर भी बहुत ज्यादा नहीं सोचते, फ्यूचर को लेकर भी नहीं सोचते, ये प्रेजेंट में जीने वालों में से मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, पता है क्या है, ये इस टाइप के हैं, अगर ये कनेक्शन बनाते हैं आपसे या बनाएंगे आपसे तो ये टेम्पररी नहीं होगा, ये क्या होगा कि आगे तक, फ्यूचर तक देखेंगे। ठीक है, मतलब ये एक आध साल रिलेशनशिप में रहे और फिर सीधे शादी कर ली, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ठीक है, ऐसे में से हैं ये, पर आपके बिना इनको अच्छा भी नहीं लगता। अगर आप साथ में वर्क करते हो, साथ में मिलते हो, तो इनको ना मुझे ऐसा दिख रहा है अच्छा भी नहीं लगता है। एक रिस्क भी लेना चाहते हैं आपको प्रपोज करके, आपको अपनी फीलिंग्स बता के, क्योंकि आपके लिए, इनके मन में ना आपके लिए फीलिंग्स बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, मैं ये देख रही हूं। ठीक है, यहां पर है फ्लेक्सिबल। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, समटाइम्स इनको ऐसा फील होता है कि क्यों क्यों मैं हर समय उसको याद करता हूँ या याद करती हूँ, क्यों मैं उसके ख्यालों में खोया रहता हूँ या खोई रहती हूँ, क्यों होता है ऐसा, क्या कनेक्शन है उससे, क्यों मैं इतना सोचता हूँ या क्यों मैं इतना सोचती हूँ उसको लेकर, मतलब ये चीजें भी बहुत दिख रही है। ठीक है, ये बहुत सोचते हैं इस चीज को लेके, तो इनके दिमाग में ना एक वाय 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 दिख रहा है, क्यों 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 सवाल बहुत है आपसे रिलेटेड। ठीक है, अब इनको ऐसा भी लगता है क्या वो भी मुझे इतना ही पसंद करती होगी या करता होगा जितना कि मैं पसंद करता हूं या करती हूं। ठीक है, या ऐसा कुछ दिख रहा है आपकी क्रश, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है ना, आपके क्रश के पेरेंट्स नहीं है शायद, ऐसा किसी के क्रश के लिए दिख रहा है, पता नहीं किसके क्रश का है। ठीक है, बहुत स्ट्रगल देखा है इन्होंने लाइफ में अपनी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया भी है, आज ये अच्छे मुकाम में हो सकता है कि पहुंच गए हैं या पहुंच रहे हैं, एक सेटल हो रहे हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रगल फेस किए हैं इनने। ठीक है, ऐसा मैं देख रही हूं, पर हाँ मुझे ऐसा अभी तो नहीं दिख रहा गाइस कि ये आपको इतनी जल्दी प्रपोज करेंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा। ठीक है, टाइम लगेगा यहाँ पर प्रपोजल मैं, क्योंकि ये अच्छे से जानना चाहते हैं, पहले तो ये ट्राई करेंगे कि आप ही प्रपोज कर दो, ये क्लोज ऑफ हो जाएंगे, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देना, आपको तड़पाना, थोड़ा हिंट देना, फिर तड़पाना, कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ताकि आप इनको प्रपोज कर दो, ये ऐसा चाहते हैं। और या आप लोग सोलमेट जो आप लोग, और ये जो भी डिस्टेंस है ना आप दोनों के बीच में, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस है या जिस प्रकार का भी डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को ये कम करना चाहते हैं आपके साथ। इनको हैप्पी हैप्पी फील होता है, अच्छा फील होता है आपके साथ, जैसे मैंने बोला आपको देखकर ही इनकी एनर्जी ना लाइट हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है आपको देखकर, आपसे बात कर कर ये काफी पीस
पीस इनको मिलता है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे. या डेफिनेटली ये दूरियों को कम करेंगे. और एक टाइम पर इनकी एनर्जीज में ऐसा देख पा रही हूँ ना, एक टाइम पर ये इतना ज्यादा फील करने लगेंगे आपके लिए, इतना ज्यादा फील करने लगेंगे कि ये आपको प्रपोजल दिए बिना, प्रपोज किए बिना खुद ही नहीं रह पाएंगे, ठीक है. ये खुद से प्रपोज करेंगे क्योंकि इनके दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स है. फीलिंग्स के साथ साथ मुझे प्यार ज्यादा दिख रहा है इनके दिल में, ओके, बहुत ज्यादा. तो आपके क्रश की एज मैं यहां पर बता देती हूँ, मुझे कुछ एज दिख रही है यहाँ पर. 27 हो सकती है आपके क्रश की एज, या 25 हो सकती है, किसी की 45, 40, 32, 48, 42, 39, ठीक है. और मुझे यहाँ पर 31, 19, 24, 26, 23 हो सकती है आपकी, आपके क्रश की एज, ओके. और मैं जो यहाँ पर जो डिसाइन देख पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ, मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके क्रश की हो सकती है, या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेसिंग, धनु राशि, जिमिनाय, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है. इनको कहीं ना कहीं आपको जलाना, ये भी जलाते हैं आपको, ऐसा दिख रहा है. कहीं जलाना आपको अच्छा लगता है, मतलब किसी और से बात करना, ये रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं कि आप कैसा फील करते हो, आप भी जलते हो या नहीं जलते हो. क्योंकि ये तो बहुत पसेसिव होते हैं, ये तो बहुत जल जाते हैं, बहुत चिढ़ जाते हैं, क्या आप भी चिढ़ते हो इतना, ऐसा ये फील करते हैं और आपको जलाना चाहते हैं, ऐसा भी मैं देख रही हूं, ठीक है. या कुछ ये एनर्जी मुझे आपके क्रश की दिख रही है यहां पर. आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टिंग ऐसा दिख रहा है, चाहिए इनको, करना चाहते हैं और होगी भी, ठीक है. ये आपके सोलमेट है तो ऑब्वियस सी बात है, एक न्यू स्टार्टिंग होगी. बहुत दोनों की तरफ, दोनों के मन में इतनी ज्यादा फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए, तो या तो ये कुछ एनर्जी देख रही हूँ गाइस मैं आपके क्रश की. तो ये थी आज आप लोगों की क्रश की रीडिंग. रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को. ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज़.